नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कोरोना जांच के एक नए मेथड के बारे में, एक नई तकनीक के बारे में, जिससे कि है कोरोना बहुत ही आसानी से अब बहुत ही जल्द जो है उसके परिणाम सामने आ जाएंगे। साल 2020 का वह समय कौन भूल सकता है, जिसने कोरोना जैसे महामारी के दंश को झेला। और वह शुरुआती साल था जब भारत में कोरोना के पहले मरीज की पुष्टि हुई थी। उस समय तक यह किसी को नहीं पता था कि यह कितना घातक हो सकता है। कितना घातक से मतलब है कि इतना भी यह पूरे शहर को भी बंद करना पड़े। यह कार्य किसी भी देश की राजनीतिक पार्टी या फिर कितने भी बड़े प्रभावशाली नेता रहे हों, उसने नहीं कर पाया। यानी कि पूरे देश में कर्फ्यू लगाने की बात। ऐसे में कोरोना महामारी का ऐसा दौर चला कि पूरा देश कर्फ्यू की चपेट में आ गया। ऐसे में अब भारत में एक बार फिर से कोरोना के चौथे लहर की बात कही जा रही है। देश के कई राज्यों में इसको लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है, जिससे कि कोरोना ज़्यादा ना फैल सके। दिल्ली से लेकर बिहार तक इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को अभी से ही अलर्ट मोड पे रखा गया है, जिससे कि लोगों तक जितनी जल्दी हो सके मदद पहुँचाया जा सके। अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने सांसों के माध्यम से कोरोना की जांच की बात कही है, जिससे कि यह कहा गया है कि कोरोना के आपातकालीन स्थिति में इस डिवाइस का इस्तेमाल करने को कहा गया है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो सांसों के सैंपल से कोरोना जांच करने की पहली डिवाइस है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो इस डिवाइस का नाम इंस्पेक्टर IR COVID-19 ब्रीथलाइजर है। इसका प्रयोग COVID-19 टेस्ट के लिए क्लिनिकल अस्पतालों और मोबाइल साइटों जैसे स्थानों पर किया जा सकता है। कहा गया है कि इस जांच का रिपोर्ट मात्र 3 मिनट के अंदर ही आपको मिल जाएगा। ऐसे में यह भी कहा गया है कि इस मशीन का इस्तेमाल वही लोग कर सकेंगे जिन्हें लाइसेंस प्राप्त हेल्थ केयर प्रोवाइडर की देखरेख में जो है कि जांच करते हों। FDA के सेंटर फॉर डिवाइस एंड रेडियोलॉजी हेल्थ के डायरेक्टर जेन सुरेन के इस डिवाइस को लेकर बोलते हुए कहा कि यह कोरोना जांच की तकनीक में एक नया प्रयोग है। इस दौरान उन्होंने यह भी कहा कि इससे कोरोना वायरस टेस्टिंग में काफ़ी सुगमता मिल सकती है। FDA की तरफ से जारी बयान में यह भी कहा गया कि इस डिवाइस पॉजिटिव टेस्ट सैंपल की पहचान करने में 91.02% और निगेटिव सैंपल की पहचान करने में 99.3% तक कारगर साबित हुआ है। जांच उपकरण को बनाने वाली कंपनी की तरफ से जारी बयान में यह कहा गया है कि इंस्पेक्टर आई सप्ताह में 100 उपकरण बनाएगा, जिसका उपयोग हम करीब 160 सैंपल की जांच, यानी कि एक सप्ताह में जो है हम इतने सैंपल की जांच जो है इससे कर सकते हैं। ऐसे में यह भी कहा गया है कि इस उपकरण की जांच करने पर महीने में करीब 64,000 सैंपल की टेस्टिंग जो है हम कर सकते हैं। ऐसे में हमें RT-PCR की जांच की रिपोर्ट के लिए जहां 24 से 48 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अब जो है एक तरह से कह लें कि जब ये नया जांच जब आया है, वो भी सांस के माध्यम से जो है हम इससे हम जांच करवा सकते हैं। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यह जो है काफ़ी कारगर होने वाला है और यह कम समय में भी जो है लोगों तक इसकी जो है पहुंच हम बना सकते हैं। कम समय तक जो है हम इसे कम समय में इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो अहम चीज़ इसकी ये बताई जा रही है कि इसका जो है जांच अगर ये जल्दी से होगा तो ऐसे में लोगों की जो है पकड़ बन पाएगी कि कितने लोग पॉजिटिव हैं, उनसे जो है हम लोगों की दूरी बना पाएंगे। तो ऐसे में ये कहा जा रहा है कि यह जो है कोरोना की जाँच की जो नई तकनीक आई है, नया मेथड जो हमारे सामने आया है, इससे हम लोगों को कोरोना से बचा सकते हैं और एक पूरा जो जनमानस है वो जो है संक्रमित होने से बच सकता है, बीमार होने से वह बच सकता है। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।